चलिए बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम फाइंड द एक्सेल बाय यूजिंग कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड। अभी हम जो कर रहे थे वही करेंगे उसी मेथड से। जैसे फर्स्ट हमारा ए 123 एंड 543, तो 123 के निकालेंगे पहले हम 123 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये जाएगा सीधा 3 से। 3 4 12 3 1 3। अब 41 किसी की टेबल में आता है, तो 41 किसी की टेबल में आता है, सीधा 41 की टेबल में आता है, तो 41 जा 41। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 4 3। अब हम ये देखेंगे ये भी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है, लास्ट में, तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अब हम देखेंगे कि हमारा 181 किसी के टेबल में जाता है, 181, तो हम देखेंगे 181 हमारे किसी के टेबल में जाता, ये जाएगा सीधा 181 से, 181, तो 181 बन जा, तो इसका आ गया हमारा 123 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 41 543 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 181। तो इसमें हमारा एक्सेप्ट क्या आ गया, एक्सेप्ट क्या आ गया इसमें हमारा 3, एक्सेप्ट क्या आ गया हमारा 3। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा 91 एंड 170, तो 91 का निकालेंगे पहले हम, 91 किसकी टेबल में आता है, तो हम इसको पहले करेंगे 7 से, 7 टू बच गया, 7 3 जा 21। नेक्स्ट 13 से, 13 किसी लेवल में था, 13 1 जा 13। नेक्स्ट देखेंगे 170 ये हमारा जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, 2 बच गया, 9 3 जा 27, तो 13 1 जा 13। तो ये हो गया हमारा 91 बराबर हो गया 7 मल्टीप्लाई 13, और 117 हो गया हमारा 9 मल्टीप्लाई 13, तो कॉमन हमारा आ गया 13। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ हो गया हमारा 13, एचसीएफ क्या हो गया हमारा 13। नेक्स्ट सी हमारा होमवर्क है, डी और ई मैं करा रहा हूँ, सी आपको खुद करना है अपनी कॉपी में। तो डी हम देखेंगे, डी हमारा 168, 287 एंड 525, इसका एक्सेप निकालना है, तो पहले हम 168 का करेंगे, 168 पहले 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 2 1 जा। अब जाएगा हमारा 3 से, 3 7 जा, अब जाएगा 7 से, 7 1 जा। तो नेक्स्ट हमारा 287 ये हमारा जाएगा सीधा 7 से, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 41 किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 14 1 जा 14 1। नेक्स्ट 525 ये हमारा सीधा जाएगा पहले 5 से, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है हमारी वो क्या, वंस जो डिजिट हमारी वो 5 है, तो ये 5 से जाएगा, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, 2 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 5, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा नहीं सॉरी फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो ये हो गया हमारा 168 का हो गया हमारा,
168 कब 2 × 2 × 2 × 3 × 7 287 का हो गया हमारा 7 × 41। नेक्स्ट हो गया हमारा 525 का हो गया हमारा 5 × 5 × 3 × 7 तो क्या फॉर्मूला आ रहा है 7। क्या फॉर्मूला आ रहा है 7। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 7। एचसीएफ क्या हो गया हमारा 7। नेक्स्ट को देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा 288 588 768। तो 288 का निकालेंगे पहले हम इसे 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2 2 × 4 = 2 4 फिर 2 से करेंगे 2 × 7 = 2 2 फिर 2 से करेंगे 2 × 3 = 2 6 फिर 2 से करेंगे 2 × 1 = 2 8 फिर 2 से करेंगे 2 × 9 = 18 2 × 9 = 18 फिर 2 से करेंगे, 2 से तो जाएगा ही नहीं तो 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9 फिर 3 से जाएगा 3 × 1 = 3। नेक्स्ट हम करेंगे 588 को पहले 2 से करेंगे 2 × 4 2 × 9 = 18 2 × 4 = 8 फिर 2 से करेंगे 2 × 2 2 × 4 = 8 2 × 7 = अब 147 किसकी टेबल में आता है, 147 किसके में आएगा 7 में, 7 × 2 = 14 7 × 7 अब फिर 7 से जाएगा 2 फिर 7 से चला जाएगा 7 × 3 = फिर 3 से जाएगा 3 × 3 3 × 3। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा 768 ये पहले 2 से करेंगे इसको हम 2 × 3 = 6 2 × 8 = 16 2 × 4 = फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2 9 और 2 × 2 = फिर 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 × 9 = 2 6 = फिर 2 से करेंगे हम 2 × 4 = 2 8 = फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4 2 × 4 = 8 फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 2 2 = फिर 2 से करेंगे 2 6 = फिर 2 से करेंगे 2 3 = 3 से करेंगे लास्ट बचेगा तो 3 × 3 3 × 3। तो ये हमारी थोड़ी सी बड़ी आ सकती है फिर भी हम करेंगे, जैसे कि हम देखेंगे अब हमारा 288 का क्या आ रहा है नाम 1 2 3 4 5 5 × 2 और 2 × 3 तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 588 का, 580 का 2 × 2 है और 2 × 7 × 1 × 3 तो 2 × 2 × 7 × 7 × 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 768 का हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 है और 1 × 3 है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 × 2 सो 2 हो गया और 3। अब हम देखें कॉमन क्या है हमारा इसमें, अब हम देखेंगे कॉमन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 2 2 और यहां पे आ रहा है हमारा 3 3 और 3। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा, एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2 × 2 × 3 तो 2 × 4 4 3 = 12 तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 12। तो क्वेश्चन नंबर सी आप अपनी क्या लिखते हैं कॉपी में करेंगे और ए ए बी डी ई यहां से करेंगे।